guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Vidya and I hope you all are doing well. तो अभी हमारी इंडिया की छुट्टी हो गई है ख़त्म एंड हम लोग अभी निकल रहे हैं US के लिए. तो आई थॉट टू व्लॉग दिस जर्नी. हम लोग इमिरेट्स से जा रहे हैं. सो अभी थोड़ी देर में हमारी फ्लाइट है. सो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, हम लोग रेडी हो गए हैं एंड लेट्स गो. Guess who is coming with us? Akshay's mom. And now it's time to board the flight. So अभी first flight है दुबई की. So दुबई की flight हम लोग अभी बोर्ड कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग विथ इमिरेट्स 380 जो कि डबल डेकर फ्लाइट है. बट हम लोग नीचे के फ्लोर पे ऑब्वियसली बिकॉज सेकेंड फ्लोर जो है वो बिजनेस क्लास एंड फर्स्ट क्लास के लिए रिजर्व है एंड जो हम लोग नहीं देख सकते हैं. And now we started to take off. ये वाला बहुत ही सही है स्क्रीन बिकॉज उसमें थ्री एंगल थे कैमरा के. सो एक है नीचे का, एक ये वाला एंगल एंड एक फ्रंट वाला एंगल. तो तीन डिफरेंट एंगल से हम लोग देख सकते हैं. एंड दिस इज़ द मैप. यहाँ पे देख सकते हैं कि दुबई की फ़्लाइट है जो 3 घंटे की है, जिसमें हमारा फर्स्ट मील आ गया जो कि था पोहा, सम सब्ज़ी, ब्रेड, कस्टर्ड, सम आई थिंक दैट वॉज सम स्वीट एंड एक बन एंड ऑब्वियसली छोटा छोटा वड़ा पाव. तो आई रियली लाइक द फूड. एंड जैसे ही खाना खाया हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच भी गए एयरपोर्ट दुबई के. तो ये वाली थी हमारी फ़्लाइट जो कि बहुत बड़ी फ़्लाइट है एंड दिस इज़ द दुबई एयरपोर्ट. यहाँ पे सारे ब्रांड्स के, अच्छे अच्छे ब्रांड्स के शॉप्स है. यू कैन सी यहाँ पे मैंने देखा था शनेल, गुची वगैरह, सारे ऑब्वियसली बड़े बड़े ब्रांड्स जो है उनके स्टोर्स है. अभी हमारे पास बहुत टाइम नहीं है शॉपिंग के लिए बिकॉज़ हमारी ये वाली फ़्लाइट जो थी 1 घंटा लेट हुई है. सो नेक्स्ट फ़्लाइट जो है वो आई थिंक 2 घंटे में है. तो हमें थोड़ा भाग भाग के जाना पड़ेगा गेट की तरफ. एंड अभी सब सिक्योरिटी चेक वगैरह करके मैं अपने गेट पे पहुंची हूँ एंड यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ सेकेंड फ़्लाइट की जो कि है दुबई टू सैन फ्रांसिस्को, जो कि बहुत बड़ी फ़्लाइट है एंड आई थिंक 15 या 16 आवर की है. एंड अभी थोड़ी धूप हो रही थी यहाँ पे तो इसलिए आई थॉट टू अप्लाई माई सनस्क्रीन एंड वैसलिन क्योंकि लिप्स भी ड्राई हो रहे थे. एंड नाउ इट्स टाइम टू बोर्ड अवर नेक्स्ट फ्लाइट जो कि है 16 आवर्स की, जो कि मेरी आई थिंक सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाइट रहेगी आज तक की. आई एम एक्साइटेड, लेट्स गो. एंड आते ही पहली चीज़ मैंने की क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी एंड चाय पीने का भी टाइम नहीं मिला था हमें लेओर में, तो मैं थेपला एंड ये पीनट चटनी लेके आई थी घर से. हम लोग ने पैक करवा के लाया इस टाइम पे. सो आई एट वन थेपला एंड ये वाला लड्डू एंड नाउ आई एम फीलिंग बेटर. एंड ये वी गॉट सम पाउचेस. तो आई वॉज चेकिंग इसमें क्या क्या है. तो ये है सॉक्स जो कि ठंडी लगेगी तो पहन सकते हैं इसके लिए. एंड नेक्स्ट था ये स्लीपिंग मास्क विच इज़ वेरी नाइस. एंड नेक्स्ट है सम ब्रश एंड छोटी सी पेस्ट बिकॉज ये फ़्लाइट 16 आवर की है तो बीच में अगर किसी को ब्रश करना है तो वो कर सकते हैं. या दैट वॉज इट. बट आई वॉज सो हैप्पी कि कुछ फ्री का स्टफ़ मिला.
एंड यहाँ पे देख सकते हो इतना टाइम एंड इतना डिस्टेंस है, 8,000 समथिंग माइल्स। एंड ये फ़्लाइट अभी टेक ऑफ हो रही है, तो अभी मैंने ये दूसरा वाला ही एंगल यूज़ किया है जस्ट टू सी द व्यू कि कैसा दिख रहा है। एंड यहाँ पे देख सकते हो 15 hour 8 minute बाकी है। एंड नीचे का जो व्यू है दैट इज़ दुबई का जो भी डेजर्ट है वो वाला, तो ये नीचे का एंगल था फ्लाइट के जो कि बहुत सही था। एंड ये हमारा फर्स्ट मील आ गया है जो कि सिवाय उपमा एंड सम सब्जी एंड सम क्रैकर्स एंड एक डेजर्ट भी था एंड कुछ फ्रूट्स, पानी एंड क्रोसॉ एंड सम चाय, बिकॉज मैंने सुबह से चाय नहीं पी थी तो मेरा थोड़ा हेडेक हो रहा था, तो फर्स्ट मैंने एक दो सिप पिया तो मुझे थोड़ी चैन मिली। लेट मी नो इफ यू आर ऑल्सो अ टी टॉडलर लाइक मी इन द कॉमेंट्स। सो दिस इज़ द रूट ऑफ आवर फ्लाइट जो कि जा रही है रशिया के ऊपर एंड देन नॉर्थ पोल के ऊपर से कैनेडा में एंड वहाँ से US। तो ये बीच में दो चार कंट्रीज़ क्रॉस करके, अभी रशिया क्रॉस करके ये जा रही है, ये बीच में यहाँ पे कहीं पे तो नॉर्थ पोल है एंड फिर वहाँ से कैनेडा में एंटर करके सैन फ्रांसिस्को जाएगी। आई एम वेरी मच एक्साइटेड बिकॉज मैं ये वाले रूट से पहले कभी मैंने ट्रैवल नहीं किया है एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम फ्लाइंग ओवर नॉर्थ पोल। आई डोंट नो विच कंट्री इज़ दिस एग्जैक्टली, बट ये ऐसे कुछ व्यू दिख रहा था जो नीचे वाला कैमरा था फ्लाइट के नीचे का उससे। सो अगेन यू कैन सी ये वाला ग्लोब, अभी अंधेरा हो गया है तो ये थोड़ा लाइट्स वगैरह दिख रहा है एंड यू कैन सी द नॉर्थ पोल इन बिटवीन। एंड हमारी फ्लाइट अभी रशिया को थोड़ा क्रॉस करके आगे आई है। मुझे अभी थोड़ा बोर हो रहा था तो अभी मैंने ये मूवी देखना चालू किया, चक द इंडिया, जो कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवी है एंड आई जस्ट लव दिस मूवी। एंड अक्षय भी कुछ देख रहा था उसके आईपैड पे एंड मॉम वाज आल्सो वॉचिंग वीर सारा। सो अभी स्टिल 8 hours 26 minutes बाकी थे जो कि आई थिंक हाफ टाइम से थोड़ा, अभी हम लोग ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट करने ही वाले हैं टाइम। एंड दिस वॉज द आई थिंक एग्जैक्ट हाफ टाइम, मतलब जो फ्लाइट का टाइम था वो। एंड मैंने एक्चुअली कैरा एंड नेट इनका नॉर्थ पोल का वीडियो देखा था, वो लोग एक्चुअली क्रूज़ में गए थे नॉर्थ पोल पे, तो आई डोंट नो वाई आई वॉज गेटिंग एक्साइटेड अबाउट दिस, बट मैं तो ऊपर से जा रही थी वैसे मुझे कुछ समझने तो वाला नहीं था। एंड ये था हमारा नेक्स्ट मील जो कि था राइस दाल एंड सम सब्जी विद छोले का सैलड एंड आई थिंक ये बनाना ब्रेड है एंड सम फ्रूट्स एंड अ बन। एंड ये था एप्पल जूस जो कि मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। एप्पल जूस मैंने अक्षय को दिया एंड देन आई गॉट अ टी फॉर माई सेल्फ। एंड ये अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए, 7 hours बाकी है अभी। सो आई वॉज वॉचिंग सम कॉमेडी नाइट्स विद कपिल एंड वी स्टिल हैव 6 hours टू गो। सो आई स्टार्टेड वॉचिंग सारा भाई वर्सेस सारा भाई, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट शोज, मैं ये कितनी बार भी देख सकती हूँ। एंड या आई वॉज जस्ट डूइंग माई टाइम पास एंड ये देखते देखते एक्चुअली हम लोग नॉर्थ पोल के आगे भी पहुँच गए, तो क्रॉस करके आ गए, तो वैसे कुछ फ़र्क तो पड़ा नहीं, बट ऐसे ही मुझे लगा कि यार मैं नॉर्थ पोल के ऊपर जाके आई हूँ टाइम्स। इवन दो ये वाली फ़्लाइट का खाना अच्छा था बट आई स्टिल कुड नॉट ईट दैट कम्प्लीटली, तो मैंने फिर से मेरा थेपला निकाला। एंड नेक्स्ट मूवी अभी मैं देख रही हूँ इंग्लिश विंग्लिश, ये भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है। एंड ये फ्लाइट का जो सामने का व्यू है, अभी सनराइज़ हो रहा था तो ये वाला व्यू बहुत ही सही था, तो आई थॉट टू कैप्चर दैट। एंड ये अपोजिट साइड पे जो मतलब रशिया या इंडिया वाली जो साइड है वहाँ पे थोड़ा अंधेरा हो गया था, तो ऑलमोस्ट इतना डिस्टेंस कवर करके हमारी फ़्लाइट अभी कैनेडा में एंटर कर रही है। सो अभी कुछ ही घंटे बाकी है SF पहुँचने के लिए, तो मैंने फिर से अभी ये गेम खेलना चालू किया है, ऐसे ही वो जो मेमोरी वाले कार्ड होते हैं ना वैसा वाला गेम है ये, तो
तो ऐसे टाइम पास करने के लिए मैंने ये वाला गेम चालू किया एंड दिस इज समवेयर इन कैनेडा। तो अभी 3 घंटे बाकी है SF पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे आई थिंक ये लेक्स है जो कि नीचे का कैमरा है उससे मुझे दिख रहा था एंड थोड़ा थोड़े थोड़े क्लाउड्स आ रहे थे यू कैन सी, तो वैसे धुआं एंड थोड़ा ब्लर हो गया है। ये सनराइज़ का व्यू दिख रहा है अभी एंड ये वाला आई थिंक ये कुछ माउंटेन्स है जिसके ऊपर स्नो पड़ा है तो बहुत ही सही लग रहा है। ऊपर से ऐसे सनराइज हो गया है एंड नीचे स्नो वाले माउंटेन्स है एंड ये मैंने स्विच किया नीचे वाला कैमरा एंगल। एंड दिस वॉज आवर लास्ट मील जो था एक रेडीमेड बॉक्स वाला पिज़्ज़ा जो कि ओके था बट आई ईट इट बिकॉज आई वॉज हंग्री क्योंकि मुझे बहुत भूख लगती है फ्लाइट में। एंड या आई थिंक पोर्टलैंड अभी आ गया है तो ऑलमोस्ट देयर। मुझे ये वाली फ्लाइट बहुत ही अच्छी लगी बिकॉज इसका खाना भी अच्छा था एंड इसमें लेग रूम भी बहुत अच्छी खासी थी तो थोड़ा बैठने के लिए एंड सोने के लिए भी सही था। एंड अभी बस 48 मिनट्स बाकी है। हम लोग बहुत थक गए थे क्योंकि ये फ़्लाइट बहुत ही लंबी थी एंड हमारी नींद भी इतनी कुछ कंप्लीट नहीं हुई थी एंड ये फाइनली अक्षय ने स्माइल किया। एंड अभी हम लोग पहुंच गए हैं सैन फ्रांसिस्को सिटी में। That's all for now. Thank you so much guys for watching this video and agar aapko ye video acha laga hai then do not forget to like, share and subscribe to my YouTube channel and I will see you next week. Bye bye.